आते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या में प्लास्टिक, हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें ज़्यादातर प्लास्टिक से ही बनी है, लेकिन हम उसे कम करते हैं। जैसे प्लास्टिक की बॉटल की जगह पर हम स्टील की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इको फ्रेंडली कॉफी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की पन्नियों की जगह पर कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं आदि। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी से कोई सामान लेने जाते हैं, तो हम प्लास्टिक की पन्नियों की जगह पर कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि एक घर में प्लास्टिक की पन्नी ले भी ली है, तो उसी पन्नी को धोती का इस्तेमाल करने से हम ज़्यादा प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचेंगे। अगर हमें अपने स्वास्थ्य और पैरों को बचाना है, तो ऐसे छोटे छोटे कदमों को मिलकर बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर प्लास्टिक क्योंकि स्वास्थ्य एवं आप जागे हैं और मैं स्कूल की तरफ से हूँ। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग से जो उसके हानि है उसको ध्यान में रखते हुए एस एस पब्लिक स्कूल के छात्रों ने एक छोटा सा जागरूकता अभियान चालू किया है, और मुझे विश्वास है कि इससे सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि एक दिन पूरा विश्व प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। हम सभी ने ठाना है प्लास्टिक को हटाना है, हम सभी ने ठाना है प्लास्टिक को हटाना है, हम सभी ने ठाना है प्लास्टिक को हटाना है, हम सभी ने ठाना है प्लास्टिक को हटाना है, कूड़ा हमको कम करना है प्लास्टिक से हमको बचना है, कूड़ा हमको कम करना है प्लास्टिक से हमको बचना है, कूड़ा हमको कम करना है प्लास्टिक से हमको बचना है, कूड़ा हमको कम करना है प्लास्टिक से हमको बचना है, कूड़ा हमको कम करना है प्लास्टिक से हमको बचना है, कूड़ा हमको कम करना है प्लास्टिक से हमको बचना है।